डिनोमिनेटर में 40.96। अब आप ये देखिएगा कि ये पॉइंट गया नीचे आएगा 10, ये पॉइंट गया ऊपर आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 402 × 10, तो 4020, 10 की पावर 13 − 12, 10 अपॉन नीचे क्या बचा 4096। ठीक है, उसके बाद एक जीरो और यहाँ पर आ जाएगा, तो 40200 अपॉन 4096। ये आई है फोर्स की वैल्यू, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ रहा है 9.8, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट रुकिए मैं साहब। ओके सर। बेटा ये वैल्यू अगली 9.8 न्यूटन, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द मास ऑफ द अर्थ 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम द मास ऑफ द The mass of the earth is 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम is 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम and that of the moon and that of the moon and that of the moon is 7.4 × 10 की पावर 22 किलोग्राम is 7.4 × 10 की पावर 22 किलोग्राम 7.4 to 10 की पावर 22 किलोग्राम फुल स्टॉप। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून द
distance between the Earth and the Moon. If the distance between the Earth and the Moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilogram, is 3.84 into 10 to the power 5. Kilometer calculate the force exerted by the Earth. Calculate the force exerted by the Earth Calculate the force exerted by the Earth on the Moon. On the Moon. ठीक है? Calculate the force exerted by the Earth on the Moon. और ये रखा है यहाँ पर given. G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये दे रखा है तो अब जरा देखिएगा जो जो वैल्यू मुझे दे रखी है जब कोई भी दो बॉडीज दे रखी है एक अर्थ है और एक मून है तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगी आप कहिएगी ये तो अर्थ है और ये जो है ये मून है दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिएगा उसको आर बोल दो ठीक है और अर्थ के मास को बोल दीजिए एम वन और मून के मास को बोल दीजिए एम टू मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम और मून का मास दे रखा है यानी कि एम टू ये दे रखा है 7.4 इनटू 10 की पावर 22 किलोग्राम ये दे रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो है आर वो दे रखा है 3.84 इनटू 10 की पावर 5 किलोमीटर 3.84 इनटू 10 की पावर 5 किलोमीटर तो अगेन जो डिस्टेंस है मुझे किलोमीटर में दे रखा है तो पहले इस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं क्योंकि जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो मीटर होती है किलोमीटर नहीं तो देखिएगा ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 3.84 टू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर 1000 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3 भाई 1 के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं 1 के आगे जितने जीरो लगे रहते हैं 1 के आगे 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3 1 के आगे 4 जीरो लगे हुए हैं तो 10 की पावर 4 1 के आगे 5 जीरो लगे हुए हैं तो 10 की पावर 5 तो 1 के आगे जितने जीरो लगे रहते हैं 10 की पावर वही हो जाती है वन के आगे 3 जीरो लगे हुए हैं तो ये हो गया 10 की पावर 3 मीटर जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेट अप हो जाती है तो 10 की पावर 8 हो गया 3.84 इनटू 10 की पावर 8 मीटर ये हो गया अब जरा देखिएगा कि फोर्स पूछ रहे हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून कैपिटल एफ कितना हो जाएगा जी M1 M2 upon R square. Capital G क्या है? 6.7 into 10 की power minus 11 multiplied by M1 कितना है? 6 into 10 की power 24. M2 कितना है?
7.4 into 10 की पावर 22 और अपॉन आर कितना है 3.84 into 10 की पावर 8 और इसका स्क्वायर 6.7 into 6 6 7 जा 42 6 6 जा 36 और 4 40 तो 40.2 6.7 हो गया 6 हो गया और 7.4 10 की पावर माइनस 11 इनटू 10 की पावर 24 और 22 तो 24 और 22 कितना हो जाएगा 10 की पावर 46 अपॉन 3.84 का स्क्वायर ये देखिएगा कितना होगा इस तरफ कर लो मैं इसको मिटाकर three point eight four का स्क्वायर three point eight four multiplied by three point eight four 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 जा six one carry four eight जा thirty two और one thirty three three carry four three जा twelve और three fifteen eight four जा thirty two three carry eight eight जा sixty four और three sixty seven six carry eight three जा twenty four और six thirty three four जा twelve one carry three eight जा twenty four और one twenty five two carry three three जा nine और two eleven six three plus two five five plus seven twelve और two fourteen one carry आ गया one one two और five seven three और one four ये one four तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 तो इधर से चार डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 14.7456 14.7456 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 का स्क्वायर जब पावर की पावर होती है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो 10 की पावर 8 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या हो गया है पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की पावर 2 मतलब 8 2 जा 16 10 की पावर 16 हो गया फिर अब 14.74 है तो ये 6 5 से बड़ा है तो ये इसको 6 बना देगा फिर ये 6 जो है ये भी 5 से बना है तो ये इसको 5 बना देगा तो ये 14.75 हो गया मालूम है ना अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं भाई सबको पता है ना अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है आज किसी की आवाज ही नहीं आ रही है चुप क्यों बैठे हुए हो भाई युग के यहाँ तो नेटवर्क इशू हो गया होगा हाँ वो हो जाता है लास्ट के 10 मिनट में इसके यहाँ और प्राजक्ता न्यासा इंदर गरिमा यस सर यस सर ओके आयुष आदित्य आदित्य के यहाँ पर मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है आदित्य आवाज थोड़ी देर से पहुंची है लगता है चलो जी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 40.2 और 7.4 को फोर टू जा एट फोर जीरो जा जीरो फोर फोर जा सिक्सटीन सेवन टू जा फोर्टीन सेवन जीरो जा जीरो और वन वन सेवन फोर जा 28 हो गया 8 0 प्लस 4 4 6 प्लस 1 7 1 प्लस 8 9 और ये 2 2 9 7 4 8 पॉइंट के बाद 1 और 2 दो डिजिट है तो राइट से काउंट करेंगे तो ये हो गया 297.48 297.48 डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 इनटू 10 की पावर 46 46 माइनस 11 करेंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 35 और ये 10 की पावर 16 ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 16 और डिनोमिनेटर में क्या है 14.75 तो 297.48 को 14.75 से आप करते रहना डिवाइड मैं सीधा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ
97.48 डिवाइडेड बाय 14.75 तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 तो हो गया 9, ठीक है, और 19 हो गया 10 की पावर 19, कितना न्यूटन। बताइए सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये कहेंगे कि नेक्स्ट जो है, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का और क्या काम है? एक तो ये है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं तो सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स का और क्या काम होता है और क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरे यूनिवर्स में? ग्रेविटेशनल फोर्स करती क्या है? ठीक, तो वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है इसका एक एप्लीकेशन कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स को होल्ड करके रखने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स ही करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स holds the solar system together। क्या होता है कि जितने भी planets हैं सोलर सिस्टम में वो सारे के सारे कहाँ रिवॉल्व करते हैं? जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सारे के सारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम होता है? मैं कहूंगा कि सन है और मार्स है, उन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, वो दोनों भी तो बॉडीज हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या काम करती है? वो उन दो के बीच में भी लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ सन को अट्रैक्ट करता है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करती है, और अगर दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए, खत्म हो जाए, तो अर्थ यूनिवर्स में पता नहीं कहाँ चली जाएगी, मतलब फिर वो चारों तरफ ऐसे चक्कर नहीं काटे, ठीक है ना, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने रोक रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ, इसी वजह से वो रुका हुआ है। ऐसे ही मार्स को सन ने रोक रखा है, ऐसे ही मतलब जितने भी, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सन जो है उसी के उसके चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और सारे प्लैनेट्स में और सन के बीच में, सन के और सारे प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने ही सबको रोक रखा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का। बताइए जी सब बच्चों को क्लियर है इतना? इतना सब बच्चों को क्लियर है, बताओ? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी बॉडी को लिया, ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया। तो जब हम किसी भी बॉडी को ऐसे पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने उस पर किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगाई है। दैट बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। उस बॉडी को हमने फ्री छोड़ दिया है कि आप जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। तो अगर मैंने इसको पेन को यहां पकड़ा और छोड़ दिया तो छोड़ने पर यह सीधा नीचे ही जाता है। तो ये नीचे ही क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो फ्री फॉल के केस में कोई भी बॉडी को कहीं पर भी आप छोड़ दें वो बॉडी आकर अर्थ पर ही गिरेगी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन ऑफ मोशन भी, वो कल करते हैं। और बाकी मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, आपके पेरेंट्स के नंबर पर भेजूंगा, तो ईमानदारी से आप सब लोगों को करना है, कल भेजूंगा टेस्ट पेपर। 20 या 30 नंबर का होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का,
तो आप एक घंटे का टाइम लेकर ईमानदारी से करना उसको, कहीं भी चीटिंग मत करिए उसको, ठीक है? तो वो आप करके कल, अगर आपसे हो जाए कल, नहीं तो परसों, मतलब जब भी आप लेकर बैठो तो एक घंटे का टाइम लीजिए और ईमानदारी से करके भेजिएगा, ठीक है बेटा? और बाकी कल क्लास आपकी नॉर्मल टाइमिंग पर होगी ही। ओके सर। ओके।